पीथमपुर थाना सागर क्षेत्र में बीती रात सनसनीखेज वारदात सामने आई। सोना चांदी व्यापारी के साथ चार अज्ञात बदमाशों ने लूट की इस वारदात को अंजाम दिया है। लूट की वारदात में सोने चांदी के आभूषण से भरा हुआ बैग लूट कर ले गए। व्यापारी चंदन सोनी अपनी दुकान बंद करके अपने घर बगड़ी लौट रहा था, तभी सुनसान रास्ते में चार अज्ञात बदमाशों ने सोना चांदी के व्यापारी की कार पर लाठी डंडों से हमला कर और कार में रखे सोने चांदी के आभूषण से भरा हुआ बैग लूट कर ले गए। लूट में गए आभूषण में 200 ग्राम सोना और करीब 4 किलो चांदी, जिसकी कीमत करीब 9 से 10 लाख रुपए बताई जा रही है। लूट की इस घटना में घायल हुए व्यापारी चंदन सोनी को उपचार के लिए नजदीकी हॉस्पिटल भेजा गया है। पुलिस ने लूट का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में नाकेबंदी कर दी। आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस खंगाल रही है। भारतीय न्यूज के लिए कामिल मेहर की रिपोर्ट। बगड़ी के लिए निकला था तो बीच में आता गांव सुहागपुर, उसको क्रॉस करा, पिपलिया के पास में एक टर्न आता, टर्न पर मेरे को चार जनों ने वो गाड़ी मेरी मारुति के आगे गाड़ी भटक दी, मोटरसाइकिल आड़ी वो लट्ठी, चारों ने लट्ठी निकाल ली और कार के चारों कांच फोड़ दिए, तो मेरे को मारा भी सही। कितनी बजे की? ये 6:10 की बात है। क्या ले गए? चांदी सोने का झोला था मेरे को ले गए। कितना होगा उसमें रकम? उसमें करीब रकम थी 9 लाख 10 लाख। कहाँ से आ रहे थे? सागर से बाजार करके पगड़ी के लिए निकल रहे थे। ये सर, आज सागर के पास पिपलिया गांव है, वहाँ पर एक सुनार है, ये पगड़ी से आते हैं हर बुधवार को दुकान लगाने के लिए। तो ये दुकान लगा बंद करने के बाद लगभग 6 बजे के करीब ये सागर से लौट रहे थे। उस वक्त रास्ते में चार युवकों ने रोककर, इनकी गाड़ी रोककर लूट की घटना को अंजाम दिया है, जिसमें जेवरात से भरा एक बैग थैला जो है वो उन चार युवकों द्वारा लूटा गया है। इसमें थाना सागर ने लूट का प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना प्रारंभ कर दी। सर, कुल कितने रुपए का माल था? सर, इसमें सोने चांदी का लगभग अलग अलग सामान था, लगभग 20 तोले के करीब सोना था और 3 से 4 किलो के बीच की चांदी थी, तो उसको FIR में लिया गया है। सर, कुल कितने रुपए का होगा? सर, लगभग 9 से 10 लाख रुपए का माल बताया है फरियादी ने।